किसान के आज कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे देश की खाद्यान्न सुरक्षा और किसान का बीज का अधिकार क्या है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का खेल कैसे जाएगी खाद्यान्न सुरक्षा विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में इस पर एक लंबी बहस एक लंबे समय चली आ रही है संसद में बीज का बिल पेंडिंग है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने अभी बयान दिया है कि भारत में जो जीन बैंक है जिसमें चार लाख से ज्यादा प्रजातियाँ जो हैं पौधों की बीजों की जिसमें हजारों हजारों साल से किसानों ने काम किया है उनको बनाया है उनमें सुधार का काम किया है जिसके ऊपर पूरी तरह से देश की खाद्यान्न सुरक्षा निर्भर है उसको बाजारीकरण के नाम पर किस तरह से मोनसेंटो जैसी कंपनी के साथ डील करके और डिप्टी डायरेक्टर जनरल एस के दत्ता ने जो बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है देश की खाद्यान्न सुरक्षा को पूरी तरह से उनके हवाले करने की साजिश शर्मनाक घटना है जिस पर आज इसमें विशेष चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे कृषि के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सराहनीय कार्य करते रहे हमारे भारत सरकार के पूर्व सचिव एस पी गुलाटी जी और इन्हीं के साथ बिहार भारतीय कृषक समाज के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जयकांत मिश्रा आखिर क्या है ये चार लाख से ज्यादा पेड़ पौधों फसलों के बीजों के जर्म प्लाज्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम में मॉडिफिकेशन के नाम पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी के नाम पर पूरी तरह से क्यों जीन बैंक जो भारत की जनता के पैसे से खड़ा किया गया भारत के किसानों ने जो आज तक कृषि में जितने बीज बनाए हैं जिनमें सुधार किया है क्रॉस पॉलिनेशन करके और उस सब को आज इस नाम पर के हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बीज में भारत भागीदार हो जाए और उसके लिए मोन्सेंटो के साथ हम काम करेंगे इससे बड़ा धोखा भारत के साथ भारत की खाद्यान्न सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो नहीं सकती और जो मिला है विरासत में सरकार को आज़ादी से लेकर आज तक आज़ादी से पहले चाहे ब्रिटिश शासन रहा हो या उससे पहले मुगल शासन रहा हो कभी भी ऐसी बात खाद्यान्न सुरक्षा के ऊपर जो बीज का मामला है उस पर नहीं आई और आज ये बाजार की ताकतें पूरी तरह से खाद्यान्न सुरक्षा नहीं फूड विल बी यूज एज ए वेपन सिद्धांत पर चल रहे हैं गुलाटी जी जी इतना खतरनाक बयान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एस के दत्ता का है कि भारत इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एन के जीन बैंक को मोंसेंटो के हवाले करना चाहता है आखिर क्यों इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती ये तो बिल्कुल ही किसानों को बिल्कुल ख़त्म कर देगी जे. और इस मुल्क को ख़त्म कर देगी जे. करोड़ों साल की संपत्ति जो के हमारे मुल्क में है जे. वो हमारे जीन बैंक्स में है जे. और इसमें पता नहीं कितने हज़ारों किसानों ने इसमें भाग लिया होगा जिन्होंने कि ये जीन्स बनाई हैं जिन्होंने कि ये बीज बनाए हैं और मनसांटो जैसे कंपनी को देना जो कि कुछ वर्ष पहले जिनके आदमियों ने इंडोनेशिया के लोगों को पैसा खिलाकर वहाँ अपना बीटी कॉटन और बाकी चीज़ें बेचना चाहा और वहाँ उनको लगाना चाहा और हाल ही में मेक्सिको में उनके बर खिलाफ इतना पता किया गया कि उन्होंने वहां भी ऐसा गपला किया है ऐसी कंपनी को बल्कि आदमी हाँ अपने घर के माल को बाहर बेचे क्यों दे क्यों किसको हम क्यों दें अपना जो कि हमारा संपत्ति है करोड़ों सालों की संपत्ति हम क्यों बेचे उसको किस लिए दे? दे ये विचार करने की बात दुनिया में भारत प्राकृतिक संसाधनों के मामले में खास तौर से जर्म प्लाज्म के मामले में सबसे ज्यादा मजबूत है यही तो पूंजी है देश की और इस पूंजी को उन ताकतों के हवाले करना गुलाटी जी ये कहाँ तक आप इसे उचित मानते हैं आप भारत सरकार में सचिव तक की जिम्मेदारी आपने निभाई है आपने भी विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं देश में आप ये बताइए कि आखिर ये चार लाख से ज्यादा बीज और पेड़ पौधों की प्रजातियों को क्यों हवाले करना चाहते हैं और यह कहकर के कि किसानों को भी सस्ता मिल जाएगा क्या पहले बीटी कपास के नाम पर जो धोखा देश को दिया है वो धोखेबाजी क्या कम है क्या वो एक सबक नहीं है भारत के लिए क्या सब सहारण अफ्रीका के देशों में अभी आपने इंडोनेशिया की बात कही आपने मेक्सिको की बात कही सब सहारन अफ्रीका के देशों में जिस तरीके से 30 साल पहले फूड सिक्योर नेशन थे आज उनको कॉफी और कपास पैदा करवा के उनके हाथ में भीख का कटोरा थमा दिया उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं ये उदाहरण क्या कम है भारत की सरकार के लिए बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या इस मुल्क का क्या होगा जो अगर हम अपनी जो कि एक करोड़ों साल की संपत्ति है उसको जो अगर हम देना चाहते हैं किसी और को और वो भी व्यापार के नाम पे तो क्या हालत होगी इस मुल्क की यहाँ तो बीज की बात आप कर रहे हैं कोई भी कंपनी बीज बेचेगी नहीं जितने तक के उस पे उसको मुनाफा ना हो जी। और आज तक ये माना गया है कि जो विदेशी कंपनी है वो मुनाफा तो कमाएंगी बिन नहीं तो वो बीज बेचेंगी क्यों और ये बीज जबकि हमारे किसान ये जितना ये ब, हमारा बीज है किसान आपस में बांटते हैं आपस में एक दूसरे को देते हैं और आपस में ये जीन्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जीन्स तो वहाँ जीन बैंक में है बाकी तो हमारे किसानों के भी तो सीड बैंक्स हैं जो कि हमारे एन ने बनाई हैं गुलाटी जी अभी हम जयकांत मिश्रा जी से पूछते हैं कि बिहार में जिस तरीके से किसानों ने इतनी धान की प्रजातियों पर काम किया डॉक्टर इचारिया ने देखिए कितना धान की पिछहत्तर हजार करीब प्रजातियों को विकसित किया था जयकांत जी, जी आप क्या मानते कितना भारी असर आखिर मोनसेंटो ने तो पहले ही कह दिया था कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में अपनी मोनोपोली स्थापित करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका तो पहले ही साफ शब्दों में कह चुके हैं तो जब बीज उनके हवाले कर देंगे आप बाजार की ताकतों के नाम पर विकास करेंगे वो हमारा दुनिया में इतना बड़ा ढांचा है आईसीआर का विकास वो करेंगे जो चंद लोग हैं जिस कंपनी के अंदर और ये जो हजारों हजारों साइंटिस्ट इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं इतना बड़ा सबसे पहले पूसा इंस्टीट्यूट बनाया था इंदिरा गांधी ने कितना ऐतिहासिक कार्य आईसीआर को बढ़ा के किया था आखिर आज हो क्या गया है इनको शर्म नहीं आती इनको ये विदेशी कंपनियों के हाथ के खिलौना बन गए उनके इशारों पर नाच रहे हैं आज ये ये वैज्ञानिक इनकी वफादारी देश के प्रति कहां बची है डॉक्टर साहब मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ मुद्दे पे तो मैं पहले भी इस बात कह चुका हूँ लेकिन ये जो बयान इन्होंने दिया है बयान ने... नहीं दिया वो तय कर चुके हैं तय कर चुके हैं जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपना हाँ। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में ऐसे, ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए था पहला चीज दूसरा चीज जो सरकार ने जो कदम उठाया पहल किया है मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो एमएनसी कंपनियां हैं मोन्सेंटो है या और भी जो भी कंपनियां हैं वो बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और प्रोजेक्ट के साथ किसी भी कंट्री में जब जाती हैं, तो एक पांच साल सात साल दस साल का पूरा कंसेप्ट तैयार करके जाती हैं और मिलजुल करके काम करती हैं सरकार के साथ ये बहुत बड़ा नेक्सेस है नेक्सेस कैसे है देखिए आप यहां पे सिर्फ बीज को लेकर के मत सोचिए इस बीज के साथ और क्या क्या वो धंधा कर सकती है मुन्सेंटो सिर्फ बीज के लिए इनपुट के सेक्टर में से, सेक्टर में भी काम जे, करती जे। है उसके साथ में आपको <laughs> पेस्टिसाइड लेकर के आएंगी उसके साथ में आपको हर्बिसाइड लेकर के आएंगे जो आपको बीज ये बेचेंगे मार्केट में उसके साथ बीज के साथ तीन चार चीज और बीमारियां लेकर के आएंगी बीज कोई हर एक साल तो महीने महीने तो बिकेगा नहीं ने? एक साल बीज बिकेंगी इसके बाद उसके बाद हर्बिसाइड का

इसने सरकार को पूरा मिश्रा जी इस पे कहना कि जब तक किसान समझेगा और देश की जनता समझेगी तब तक देश की खाद्यान्न सुरक्षा लुट चुकी होगी क्या होंगी परिस्थितियां भविष्य में ये तो जिसे काल कहते हैं ना जी। एक ऐसा काल पड़ेगा इस मुल्क के ऊपर हाँ। जो कि आने वाली नस्लें हम सब के ऊपर कहेंगी कि ये जो हमारे बुजुर्ग थे ये क्या कर गए हैं हमारे लिए कितना हमारे ऊपर ये अंधकाल ये मचा गए हैं ये एक ऐसी चीज़ है कि हर एक इंसान को हवा पानी और खाने की सामग्री ये तीन चीजें हर एक को चाहिए और जो अगर इन्हीं में हम हम अपना सब कुछ बेच देंगे आज ये अब सुनते हैं कभी के पानी को वो अब पानी के प्राइवेटाइजेशन के एग्रीमेंट कर रहे हैं नदियों को बेच रहे हैं अब सिर्फ हवा रह गई है बस और वो भी वो एक दिन बेच खाएंगे <laughs> और किस लिए बेच खाएंगे ताकि कुछ थोड़े से उद्योगपति वो अमीर जरूर हो जाएंगे बाकी जो करोड़ों की हमारी जनता है जो दस करोड़ से ज्यादा हमारे किसान हैं जिनमें से के नौ करोड़ के करीब छोटे तबके के और मीडियम परिवार हैं परिवार हैं इन सब का सत्यानाश यानी के साठ करोड़ इस मुल्क के इंसानों इन का सत्यानाश जयक जी Uh, सरकार का यह कहना कि किसान खेती से दुखी है किसान खेती नहीं करना चाहता इसलिए हम कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहते हैं कृषि क्षेत्र को इसलिए पानी का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती मिनरल वाटर बिकवाएगी किसान का दूध किसान पैदा करता उसको और अठारह रुपए लीटर खरीदे ना खरीदे मिनरल वाटर पंद्रह लीटर बिकेगा आखिर ये सरकार अभी गुलाटी जी कह रहे हवा पानी और रोटी अब पानी का प्राइवेटाइजेशन की बात करें अभी आपने कह दिया कि पूरा जो इनपुट सेक्टर है उन्हीं के हवाले हो जाएगा सरकार कह रही है ठेका खेती मतलब उन्हीं के उसमें मजदूरी करेंगे वो मैकेनाइजेशन करेंगे तो ये किसान कहां जाएंगे क्या हम एक, एक और बर्बादी एक और बेरोजगारी एक और परेशानी भारत के लिए भारत के किसानों के लिए खड़ी नहीं कर रहे इन योजनाओं पर आगे चल गए और फिर कहते हैं कि हमारी गलती हो गई डॉक्टर साहब देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया सेक्टर में भी और भी सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होती है लेकिन किसान और एग्रीकल्चर के ऊपर चर्चा नहीं होती है ये आप ही का एक चैनल ऐसा है जो टाइम टू टाइम ये दिखाता है बाकी और चैनल लोग नहीं दिखाते हैं दूसरी चीज कि किसान का आज तक अभी जो जितने भी लोग हैं वो किसान के ऊपर कोई काम करने वाले नहीं निकले किसान और एग्रीकल्चर के ऊपर जब ये फोकस डालेंगे और किसान तक आ... कि ये जो पहुंचेंगे उनकी सब्सिडी होगी आ... उनकी जो बीज आपने, का समस्या होगा ठीक कहा है कि किसान के मुद्दों पर बात नहीं करते हम इस चर्चा को जारी रखेंगे अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए किसान की आवाज किसान की आवाज कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है आज हम चर्चा कर रहे हैं देश की खाद्यान्न सुरक्षा और देश के किसानों का अब तक का जो बीज का अधिकार था किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं आईसीआर के डिप्टी डायरेक्टर जनरल का बयान इस बात को साबित करता है कि सरकार पूरी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर देश की खाद्यान्न सुरक्षा को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर रही है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है अभी हमारे साथ गुलाटी जी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इस सवाल को पूछेंगी कि कौन थे वो लोग और कैसी थी सरकार क्या थी कार्यशैली हजारों हजारों साल से बीज ये प्रकृति की देन है जीव जो है लाइफ जो है वो ईश्वरीय देन है प्रकृति की देन है वो किसी वैज्ञानिक ने ना मनुष्य के जो लाइफ जो है और चाहे पेड़ पौधों की लाइफ है या बीज में लाइफ है या मानव की लाइफ है पशु पक्षी की लाइफ फॉर्म को किसी भी तरीके से पेटेंट नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इस डब्ल्यू के समझौते के बाद बाजार की ताकतों ने अपने इशारों पर नचाया है तमाम विकासशील देशों को और अपने इशारों से अपने तरीके से उन कानूनों को बाध्य करने के लिए ये सरकारें उनके इशारों पर नाच रही हैं इसीलिए जो अभी ये बयान आया है बात हम बहुत कर रहे हैं हम पेट्रोल के दाम बढ़ने की कर रहे हैं पूरे देश में विरोध हो रहा है हम पानी के की प्राइवेटाइजेशन बात कर रहे हैं आखिर जब पानी नहीं मिलेगा बोलीविया जैसे देश ने एक रात के अंदर इन कंपनियों को उखाड़ के बाहर फेंक दिया इटली जैसा देश आज पानी के प्राइवेटाइजेशन से इटली की सरकार अपने को बाहर लाना चाहती है लेकिन क्या इतना आसान है इनके चंगुल से निकलना एक ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण भारत में था और आज जब पानी भी अपना नहीं होगा पानी जीवन की रेखा है आने वाला जो भी युद्ध होगा दुनिया में वो पानी पर होगा और उस पानी को जो प्राकृतिक संसाधन है सुप्रीम कोर्ट ने टू जी स्कैम में कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का हक हाँ है आखिर कैसे भारत सरकार इस बीज को मल्टीनेशनल कंपनीज के हवाले चार लाख से ज्यादा जर्म प्लाज्म जो है सबसे ज्यादा रिच है भारत दुनिया के अंदर और उसी को हम उनके हवाले बाजार के नाम पर मुनाफाखोरी के नाम पर यह सब लूट है और इस लूट के खिलाफ देश के किसानों को देश की जनता को समझना होगा किस तरीके से वैज्ञानिक इस देश के साथ धोखा कर रहे हैं देश की खाद्यान्न संरक्षण के हवाले कर पानी पानी का प्राइवेटाइजेशन सबसे ज्यादा खतरनाक है गुलाटी जी जी पानी पर आप क्या कहेंगे नदियों का प्राइवेटाइजेशन भूजल स्तर एक किसान अपनी सिंचाई करने के लिए बोरिंग नहीं कर सकता एक किसान नदी से केनाल से पानी लेकर सिंचाई नहीं कर सकता उसकी तो ऐसी स्थिति नहीं है और आप उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर रहे हैं जितना आप प्राइवेटाइजेशन इन चीजों पे करेंगे उतना आप अपने लिए एक ऐसी स्थिति बनाएंगे जिससे कि मुल्क बर्बाद हो आपने जी आपने जिक्र किया वो कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाहते हैं एग्रीकल्चर उसका मतलब ये है कि छोटे खेतों को बड़ा करके वो वहां पे अपने मशीनें लगाएंगे मशीनों की हालत तो ये है कि वो उनको चाहिए एनर्जी एनर्जी मिलती है पेट्रोलियम या इससे आज आप देख रहे हैं कि क्या हालत है पेट्रोलियम अभी डीजल के दाम बढ़ेंगे और, और ये, ये दाम, दाम हर साल बढ़ेंगे जी। उसके साथ हर साल ये बीजों की कीमत बढ़ेगी हर साल ये चीजों की कीमत बढ़ेगी और इस मुल्क में हर साल हाँ कार हा, मचेगा हाँ कार मचेगा जयकांत जी।, जी जी पानी और बीज दोनों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हवाले करना क्या ये भविष्य तो इसका बहुत सही नहीं है नहीं। और इसके ऊपर जो बीज वा, बीज और पानी का जो प्राइवेटेशन कर रहे हैं ये देखिए दिल्ली के अंदर भी बिजली का किए थे अब पानी का भी दिल्ली में भी कर रहे हैं या और स्टेटों में ये लोग करने के लिए भारत सरकार ऐसे सोच रही है तो ऐसी मानो से बचना चाहिए और इसको जल्द से जल्द इसको रोकना चाहिए गुलाटी जी जी पहाड़ों से आने वाले झरनों का पानी नदियां बनती हैं, चाहे वो हिमालय हो और चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो या कहीं भी हो पूरा जो बरसात से है उस पानी से ये प्राकृतिक है पानी, जितना उपलब्ध है, उसका मात्र एक तिहाई खपत हो रहा है क्या उस पानी को पाइपलाइन से जनता तक पहुंचाना नहरों से खेतों तक पहुंचाने के काबिल नहीं रही है सरकार तो क्या इन्हें हक है सत्ता में बने रहने का जो सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती पानी जैसी चीज की सिर्फ जिसके लिए व्यवस्था करनी है बनाना नहीं है कुछ भी आपको सिर्फ पहुंचाना है खेत तक पहुंचाना है जनता के घर तक उसको पहुंचाने की क्षमता इस सरकार में समाप्त हो गई है क्या मानते हैं आप कीमतें इन सब चीज की इसलिए बढ़ेंगे कि जिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप ये काम देंगे बिजली और पानी दिल्ली में दिया गया वो अपना उस पे रखा जा रहा है कि मैं इस पे क्या कमा सकता हूँ जो अगर ये गवर्नमेंट जिनके पास के इतनी ज्यादा संपत्ति है इतने इनके पास इंजीनियर्स है इतना इनके पास साधन है जो अगर ये गवर्नमेंट अपने आप ये नहीं कर सकती तो इन इंजीनियर्स और इनको क्या ये हटा देंगी Yeah. क्या आईसीआर जो के इतनी बड़ी संस्था है दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर की वो है yeah. इनको नौ करोड़ छोटे किसानों और मीडियम किसानों का ख्याल रखना है ये क्या उनका ख्याल रख रही है उनके लिए बीज नहीं मुहैया करा सकती उनके लिए बीज नहीं बना सकती जो के चीप हो ओपन ओपनली पॉलिनेटेड हो और जो ऐसा कोई तरीका हो जो उगाने का जिसमें के किसान को भी फायदा हो उसकी लागत कम हो और जिसमें हम सब को फ़ायदा हो ताकि जो किसान उगाता है वो उसके में बढ़ोती हो तो वो दत्ता ये कह रहे हैं कि हम किसानों को सस्ते दामों पर बीज मुहैया करवाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपना चाहते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमको भी कुछ मुनाफा होगा ये ये तो बता दें कि इतना बड़ा ढांचा जो आईसीआर का है इतना बड़ा बजट जो आईसीआर का है वो किसके लिए है अगर ये लोग इस लायक नहीं है तो क्या आईसीआर को और यूनिवर्सिटीज को क्या बंद कर दिया जाएगा क्या क्या, क्या करना क्या चाहते हैं ये लोग पानी की पानी की पाइपलाइन नहीं व्यवस्था कर सकते इंजीनियरिंग डिवीजन के लोग वो बीज के शोध कार्य में का, करने में असमर्थ हैं ये सब दूसरों के तरफ देखना इनके लिए शोभा देता है क्या ये इनके लिए उचित है क्या ये इस लायक है कि इनको नौकरी में रखा जाए अगर ये इस लायक नहीं है इतना बड़ा ढांचा तो क्यों इतना बड़ा बोझ इस देश की जनता का टैक्स का जो पैसा है वो इनके ऊपर खर्च किया जाता है हजारों हजारों करोड़ रुपए का बजट इस आईसीआर का है क्या होगा इस देश का जयकांत पूरा लैब इनका सिस्टम लैप्स हुआ है पूसा का जितने भी सिस्टम है पिछले पंद्रह साल से पूरी तरह बायोटेक्नोलॉजी के नाम पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम पर पूरी तरह पूर, ये खिलौना बन गया मुंस... यूएस इंडिया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाम पर जो एग्रीमेंट हुआ वो भी एक धोखा भारत के साथ देखिए डॉक्टर साहब एक चीज है उसी का परिणाम आज ये है जब हमारा सिस्टम फेल होता है तो दूसरा आकर के उसमें अपनी जगह को बनाता है मुन्सेंटो को और सजेंटा को या और भी जो जितनी भी कंपनियां आकर के भारत में अपनी जगह क्यों बना रही है क्योंकि आपका सिस्टम लैप्स पड़ा हुआ है जिम्मेदार सरकार जिम्मेदार सरकार, सरकार है पूसा तो ऑटोनोमस मान लीजिए काम कर रहे को, कोई सॉयल टेस्टिंग के इनके ऊपर कोई काम नहीं है कोई साइंटिस्ट के ऊपर कोई काम नहीं है कोई रिक्रूटमेंट के ऊपर कोई काम नहीं है कोई एग्रीकल्चर पूसा को क्यों क्यों किया गया था पूसा को क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम को और सॉइल टेस्टिंग को पूरे बढ़िया से इसका मैनुफेक्चर uh, किसानों को बीज मुहैया अच्छा Establish. कराना Establish. किसानों को टेक्नोलॉजी देना जी. किसानों को सॉयल के हेल्थ के बारे में जानकारी देना सब उनको सारा कैसे उत्पादकता बढ़े हुँ. उस पर काम कर तो उत्पादकता बढ़ाने पर काम नहीं कर रहे नहीं पूरी तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड बाजार बनाने के लिए मोन्सेंटो और सिंजेंटा और तमाम लोगों का टूल्स की तरह से एमएनसी जो कंपनियां है वो पूसा को इस्तेमाल करने के लिए जो है तैयार हो गई है और जो पूसा को, पूसा को जिस चीज के लिए बना गया था उस पर ना काम करके एमएनसी कंपनियों का टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है गुलाटी जी जी आईसीएर के संस्थान आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के टूल्स की तरह काम कर रहे हैं उनके वैज्ञानिक उनके एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं क्या मानना है आपका क्या होगा कैसे ये देश बचेगा कैसे खाद्यान्न सुरक्षा बचेगी कैसे पानी बचेगा कैसे जीवन बचेगा अभी भी सुधार हो सकता है आईसीआर को तो एक ही मुद्दा उनको बताना चाहिए कि आप यहाँ किसानों के लिए हैं और छोटे किसानों के लिए हैं। आपने बहुत अच्छा कहा आईसीआर और... की जिम्मेदारी देश के किसानों के लिए है उनकी जिम्मेदारी कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने की है उनकी जिम्मेदारी सॉयल हेल्थ को सुधारने की है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करने की है और आईसीआर इस जिम्मेदारी से विमुख होकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंट की तरह काम कर रहा है यह हकीकत आपने बयां की है आपने हमारे कार्यक्रम में आके भाग लिया गुलाटी जी आपका धन्यवाद जयकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब यह सरकार को तय करना है हमारे पैनलिस्टों का यह कहना है कि यह सरकार को अभी भी सुधार का मौका है सरकार को ब्रेक लगाना होगा पानी जैसी चीज का प्राइवेटाइजेशन और बीज को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले करना और जीन बैंक को जिसमें चार लाख से ज़्यादा जर्म प्लाज्म है दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज में हम नंबर एक पर हैं और आज उन रिसोर्सेज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम में उन कॉर्पोरेशंस के हवाले करना ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है ये देश के साथ दुर्भाग्य है आने वाली पीढ़ी याद करेगी और इस बात के लिए सरकार को क्या कहेंगे क्या कहेंगे इन आज के वैज्ञानिकों को एक वो समय वैज्ञानिकों का था कि जब किसानों के लिए रात दिन काम किया आज वो समय है जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में उनके डॉलर के इशारे पर उनके बाजार के लिए काम कर रहे हैं ये बहुत शर्मनाक घटना है सरकार को सुधार कर लेना चाहिए अपनी नीतियों में अपनी नीतियों में जब तक सुधार नहीं करेंगे देश की खाद्यान्न सुरक्षा नहीं बचेगी देश का पानी जैसे संसाधन बचाने के लिए पानी के प्राइवेटाइजेशन की बात करना देश के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये सब सरकार को तय करना है देखते रहे हमारे कार्यक्रम किसान की आवाज नमस्कार